हेलो एवरी वन एंड वेलकम बैक वंस अगेन फॉर दी सेशंस ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखिये हम फर्स्ट थ्री चैप्टर्स कवर कर चुके हैं और आज हम बेसिकली फमिंगो बुक का ये चैप्टर नंबर फोर कवर करेंगे विच इज दी रैट ट्रैप एंड बिफोर स्टार्टिंग दी एम सी क्यूज आपको पता है कि हम अबाउट दी ऑथर भी जरूर डिस्कस करते हैं क्योंकि कई बार इसके बेसिस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है सो लेट स्टार्ट देखते हैं कि राइटर कौन है और हमें क्या बता रखा है सेलमा लेग एटीन फिफ्टी टू नाइनटीन तो ये आपको ऑथर का नाम बता रखा है जन्म बता रखा है मृत्यु ईयर बता रखा है वॉज अ स्वीडिश राइटर स्वीडन की रहने वाली है हुज स्टोरीज हैव बीन ट्रांसलेटेड इन टू मैनी लैंग्वेजेस जिनके द्वारा लिखी हुई कहानियां बहुत सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट भी हुई हैं अ यूनिवर्सल थीम रन थ्रू ऑल ऑफ देम

समझ से और प्यार से सो दिस स्टोरी इज सेट एडमिस्ट द माइंड ऑफ स्वीडन रिच इन आयरन ओर विच फिगर लार्ज इन हिस्ट्री एंड लेजेंड्स ऑफ दैट कंट्री तो बेसिकली ये जो कहानी है ना वो स्वीडन की माइन्स के इर्द गिर्द घूमती है जहां पर आयरन और काफी ज्यादा पाया जाता है एंड द स्टोरी इज टोल्ड सामबर्ट इन दी मैनर ऑफ अ फेयरी टेल तो जैसे परियों की कहानी होती है तो कुछ इस तरीके से एक फेयरी टेल मैनर में आपको ये स्टोरी प्रेजेंट की गई है सेल्मा लेगरलोफ के द्वारा सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव ऑन टू दी एमसीक्यूज नंबर वन इज हु इज द मेन कैरेक्टर इन स्टोरी दी रैट ट्रैप तो ये जो कहानी है रैट ट्रैप चोहे दानी इसके मेन करैक्टर कौन है अ पुअर मैन हु मेड ग्रैट्रेप्स अ रिच मैन अ डॉक्टर और अ ब्लैक स्मिथ तो सही आंसर है कि एक गरीब आदमी जो कि रैट ट्रैप्स बनाता है चूहे चूहेदानियां बनाता है वो पैडलर ही एक्चुअली इस कहानी का मेन करैक्टर है सेकेंड व्हाट डिड दी रैट ट्रैप सेलर डू इन ऑर्डर टू मेक बोथ एंड मीट मतलब अपनी लाइवलीहुड चलाने के लिए आजीविका चलाने के लिए वो क्या करता है वो फार्मिंग का काम करता है एज अ लेबरर काम करता है बेग करता है और स्टोर करता है मतलब भीख मांगता है और चोरी भी करता है या नन ऑफ दीज इसमें से कुछ भी नहीं सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कि वो बेग भी करता है और चोरी भी करता है थीवरी भी थीवरी भी है और बेगिंग भी है ठीक है नेक्स्ट वट आइडिया स्ट्रक दी रेप्रैप सेलर सेलर्स माइंड वन डे अब एक दिन उसके दिमाग में क्या बात आती है वर्ल्ड इज जॉयफुल एंड वंडरफुल बहुत ही खूबसूरत है संसार खुश मिजाज है सरप्राइजेस से भरा हुआ है पीपल आर ब्यूटीफुल लोग जो है वो सुंदर हैं ही शुड रन अवे या उसे कहीं भाग जाना चाहिए ऐसा ख्याल उसके दिमाग में आता है या होल वर्ल्ड इज अ रैट ट्रैप सो द करेक्ट आंसर इज कि सारी की सारी ये दुनिया सारा का सारा संसार ही एक रैट ट्रैप है जिसमें हम बेट्स के जरिए फंसे हुए हैं वो लालच के जरिए फंसे हुए हैं नेक्स्ट वॉट डिड दी वेगा नॉट नोटिस वन इवनिंग मतलब वो जो दर बदर भटकता रहता है पेडलर जो आवारा पेडलर है वो एक दिन डार्क इवनिंग के दौरान मतलब रात के अंधेरे के दौरान हम कह सकते हैं शाम के वक्त क्या नोटिस करता है एक बड़ी कार एक छोटा सा ग्रे कॉटेज या अ बिग हाउस बड़ा सा घर या एक ब्यूटीफुल वेमेन तो बेसिकली वो क्या नोटिस करता है ही नोटिस अ लिटिल ग्रे कॉटेज तो वो देखता है कि एक लिटिल सा छोटा सा साइड पर रोड साइड पर उसे कॉटेज दिखाई दिया है हु वॉज दी ओल्ड मैन लिविंग इन द लिटिल कॉटेज कौन था वो आदमी जो छोटे से उस घर में रहता था एक पॉलिटिशियन था एक टीचर था एक पुलिसमैन था या एक क्रॉफ्टर था जिसकी ना कोई बीवी थी और ना ही कोई बच्चा था तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स वट डिड दी ओल्ड मैन डू फॉर अ लिविंग मतलब जिंदा रहने के लिए अपनी आजीविका चलाने के लिए वो ओल्ड मैन क्या किया करता था क्या वो फार्मिंग का काम किया करता था क्या वो भी ट्रैप्स ही बनाता था क्या वो गाय का दूध बेचा करता था या वो एज अ टीचर पार्ट टाइम जॉब किया करता था तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी सोल्ड काउज मिल्क नेक्स्ट वेयर डिड दी ओल्ड मैन कीप हिज मनी अब वो जो ओल्ड क्रॉफ्टर था वो जो ओल्ड मैन था वो कहाँ पर पैसा रखा करता था वो पैसा रखा करता था अ बैंक में एक लेदर पाउच में एक बॉक्स में या एक प्लास्टिक के कंटेनर में वो एक लेदर पाउच में अपने पैसे रखा करता था नेक्स्ट वॉट डिड दी ट्रैप सेलर स्टील फ्रॉम दी ओल्ड मैनस कॉटेज अब उसने क्या चुराया था देखो बहुत ही सिंपल था कि उसने जब अपने लेदर पाउच के बारे में इशारा करते हुए बताया था कि उसमें थर्टी क्रोनोर्स हैं। ऐसा कंसेप्ट आया था ना थर्टी क्रोनोर्स है तो उसने वो थर्टी क्रोनोर्स ही चुराए थे तो इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है मनी है नेक्स्ट इज हाउ डिड दी रेट ट्रैप सेलर एंटर कॉटेज इन ऑर्डर टू स्टील मनी अब हमें ये तो पता चल गया कि उसने पैसा चुराया था अब पैसा चुराने के लिए वो कॉटेज के अंदर दाखिल कैसे हुआ था या क्या हुआ था जिसकी वजह से वो पैसा चुरा पाया बाय स्मैशिंग अ विंडो पेन मतलब उसने खिड़की तोड़ी थी बाय ब्रेकिंग दी लॉक उसने ताला तोड़ा था बाय ब्रेकिंग द डोर दरवाजा तोड़ दिया था बाय एंटरिंग थ्रू दी वेंटिलेटर मतलब कोई रोशनदान इस तरीके का कंसेप्ट था जिसके जरिए वो वहां गया तो सही आंसर है बाय स्मैशिंग अ विंडो पेन तो इस तरीके से वो घर के अंदर दाखिल हुआ था या इस तरीके से उसने वो लेदर पाउच से पैसे निकाले थे देखो अब किया तो उसने गलत था ना वो जो ओल्ड क्रॉफ्टर था उसने तो उसे फॉरिच भी बनाकर खिलाया था उसने उसके साथ मजौलीस नाम की गेम भी खेली थी जो कि एक कार्ड गेम होती है अगर आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताओ कौन सी गेम उन्होंने खेली थी तो ये गेम भी आपको यहां पर मैंने हिंट प्रोवाइड किया है लेकिन फिर भी उसने वो चोरी की किसने की थी ट्रैप सेलर ने चलो अब आगे देखते हैं कि हमें आगे क्वेश्चन क्या बताते हैं वॉट हैपन्ड वेन दी रेट ट्रेप सेलर लेफ्ट दी मेन रोड एंड वेन टू दी फॉरेस्ट अब जब पैसे चुरा लिए उसने मेन रोड को छोड़ दिया और जंगल की तरफ हो गया कि कहीं मुझे कोई पकड़ न ले तो क्या हुआ ही वॉज हैप्पी देयर ही टुक रेस्ट देयर ही एंजॉयड दी फॉरेस्ट या ही बिकेम कन्फ्यूज एंड लॉस्ट दी वे तो एक्चुअली ऑप्शन नंबर डी आपका सही ऑप्शन है ना ही वो खुश हुआ था ना ही उसने फॉरेस्ट वाला एरिया एंजॉय किया था ना ही वहां आराम किया था बल्कि वो कंफ्यूज हो गया था और अपना रास्ता भटक गया था नेक्स्ट इज वॉट इंक्रीज दी रैट ट्रैप सेलर्स डिस्पायर अब उसकी निराशा और भी ज्यादा क्यों बढ़ गई थी किस वजह से बढ़ गई थी डिसीज बीमार कोई बीमारी लग गई उसे ओल्ड एज की वजह से या डार्कनेस एंड कोल्ड अंधेरा भी बढ़ रहा था और ठंड भी हो रही थी या हंगर दिस इज हंगर एंड वीकनेस मतलब भूख लग रही थी कमजोर महसूस कर रहा था या नन ऑफ दीज तो सही आंसर है कि रात का अंधेरा भी बढ़ रहा था और साथ साथ में ठंड भी बढ़ रही थी तो इसलिए वो एक तो गुम हो गया था भटक गया था रास्ता और ऊपर से ऐसा भी हो रहा था मौसम भी खराब हो रहा था मतलब ठंड बढ़ रही थी तो इसलिए वो और ज्यादा निराश हो रहा था नेक्स्ट वॉट डिड ही हियर वेन ही लेड हिज हेड टू दी ग्राउंड अब आवाज सुनने के लिए जब उसने अपने कान ग्राउंड की तरफ लगाए मतलब जमीन के जरिए सुनने की या समझने की कोशिश की कि कहा से आवाज आ रही है तो किस तरीके की आवाज उसे सुनाई दी हिसिंग साउंड जिस तरह से स्नेक्स की होती है क्रिकिंग साउंड कुछ टूटने की हमिंग साउंड या चिपिंग साउंड तो मतलब पक्षियों के चेहने की या जैसे हनी बीज होती है हमिंग करती हैं बीज तो उस तरीके की आवाज आई तो बेसिकली उसे हमिंग साउंड जो है वो सुनाई दी थी नेक्स्ट वट साउंड वर कमिंग फ्रॉम दी फर्नेस अब वो जो फर्नेस थी वो उससे किस तरीके की आवाज आ रही थी ग्रोनिंग ऑफ बिलोइंग क्रैकिंग ऑफ कोल या बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज देखो हमें स्टार्टिंग में ही बताया गया है कि माइनिंग एरिया है तो दैट मीन्स ये दोनों आवाजें आ रही थी बिलोइंग की भी और कोल के क्रैक होने की भी तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जिसमें दोनों कवर हो रहे हैं नेक्स्ट फ्रॉम वेयर वॉज दी साउंड कमिंग अब आवाज जो थी वो कहां से आ रही थी वो किसी शॉप से आ रही थी किसी स्कूल से आ रही थी किसी लेक से आ रही थी या किसी मिल से आ रही थी तो वो एक मिल से आवाज आ रही थी वेयर डिड दी रैप ट्रैप सेलर रीच वेन ही फॉलोड दी साउंड तो जब वो उस आवाज के ही पीछे चलते चलते जा रहा था कि कहीं किसी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाए तो वो फाइनली कहां पहुंचा था देखो कंफ्यूजिंग नेम्स लिखे गए हैं आपको सही नाम आईडेंटिफाई करना है कि उस मिल का सही नाम क्या था तो सही नाम ऑप्शन नंबर डी है रैम्स जो आयरन वर्क तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट डिड दी ऑनर ऑफ दी फैक्ट्री मिस्टेक दी रेड ट्रेप सेलर फॉर अब उसको क्या गलती हुई थी जो मालिक था फैक्ट्री का तो उसे ब्लैक स्मिथ था मतलब जो मास्टर था आयरन मास्टर था कहेंगे सॉरी आयरन मास्टर जो था उसे किस बात की गलती लगी थी उस रेड ट्रैप सेलर को देखकर उसने उसे क्या समझ लिया था एक सोल्जर एक टीचर एक ओल्ड फ्रेंड या एक पुलिस इंस्पेक्टर तो सही आंसर है कि उसने उसे अपना एक ओल्ड फ्रेंड समझ लिया था उसने उसे नील्स ऑलोव समझ लिया था नेक्स्ट वेयर डिड दी आयरन मास्टर इन्वाइट दी रेड ट्रेप सेलर अब उसने कहां इन्वाइट किया था उसे क्या आमंत्रित किया था उसे कि कहां आओ टू अ मैरिज पार्टी टू अ बर्थडे पार्टी टू अ डांस पार्टी और टू हिज हाउस फॉर क्रिसमस ईव तो सही आंसर है कि क्योंकि क्रिसमस का त्यौहार आ रहा था तो इसलिए उसने उसे क्रिसमस ईव के लिए अपने घर पर इनवाइट किया था नेक्स्ट व्हाट वाज दी नेम ऑफ द आयरन मास्टर्स डॉटर पेडला एडला बेडला या सेडला तो सही नाम है ऑप्शन नंबर बी एडला वाज़ दी नेम ऑफ दी आयरन मास्टर्स डॉ नेक्स्ट इवन आफ्टर डिक्लाइनिंग आयरन मास्टर्स इनविटेशन व्हाई डिड दी पेडलर अग्री टू गो टू हिज हाउस एज अ गेस्ट मतलब मना कर दिया था उसने आयरन मास्टर को कि नहीं मैं नहीं आऊंगा आपके साथ लेकिन फिर भी जो पेडलर था वो क्यों मान गया था बिकॉज ही वॉज हंग्री क्योंकि वो भूखा था बिकॉज एडला इन्वाइटेड हिम क्योंकि एडला ने उसे इन्वाइट किया था बिकॉज ही वॉन्टेड टू स्लीप क्योंकि वो थका हुआ था तो वो सोना चाहता था इसलिए वो घर जाने को मान गया था या वो आयरन मास्टर का पैसा चुराना चाहता था तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्योंकि एडला ने उसे इन्वाइट किया था तो उसके इन्विटेशन पर वो एज अ गेस्ट जाने के लिए तैयार हो गया था नेक्स्ट इज व्हाट हैपन्ड वेन दी आयरन मास्टर सॉ दी रेटरेप सेलर लुक्ड एट हिम इन ब्रॉड डे लाइट मतलब जब उसने रेटरेप सेलर का लुक देखा था ब्रॉड डे लाइट में मतलब दिन के उजाले में तो क्या हुआ था उसने उसकी पर्सनैलिटी की तारीफ की थी या उसने ये रिकोगनाइज कर लिया था कि वो मेरा दोस्त नहीं है या उसने उसे बहुत ही डिलीशियस ब्रेकफास्ट खाने के लिए दिया था या उसे हक कर लिया था एम्ब्रेस किया था तो सही आंसर है कि दिन के उजाले में जब वो सर्वेंट्स वगैरह जो थे उन्होंने प्रॉपरली रेट्रेप सेलर की शेविंग वगैरह भी कर दी थी उसे अच्छे से रेडी कर दिया था तो उसे दिन के उजाले में ये पता चला था कि वो मेरा दोस्त नहीं है नेक्स्ट वाई डिड एडला प्लीड हर फादर नॉट टू सेंड दी पेडलर अवे तो उसने क्यों विनती की थी कि इसे मत जाने दो क्योंकि वो उसके फादर का फ्रेंड था क्योंकि वो उसे पसंद करती थी या सिंपथी या पुअर कंडीशन की वजह से मतलब उसकी इस तरीके की दयनीय हालत की वजह से वो उसे नहीं जाने देना चाहती थी तो सही आंसर है बिकॉज ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज नहीं, सही आंसर है बिकॉज ऑफ सिंपथी एंड हिज पुअर कंडीशन नेक्स्ट नेक्स्ट इज एट दी चर्च नेक्स्ट डे तो मतलब जब वो डॉटर और फादर दोनों चर्च जाते हैं तो नेक्स्ट डे उन्हें क्या पता चलता है रेटरेप सेलर के बारे में दैट ही हैड स्टोलन दी ओल्ड क्राफ्टर्स मनी दैट ही वॉज अ रिच मैन दैट ही हैड बीन अरेस्टेड दैट दी रेड ट्रेप सेलर हैड रन अवे कि वो भाग चुका है वो अरेस्ट हो चुका है या वो एक अमीर व्यक्ति है या उसने ओल्ड क्राफ्टर का उस ओल्ड मैन का पैसा चुराया है तो सही आंसर है कि उसकी ये चोरी की बात जो है वो उन्हें पता चली थी वॉट डिड दी आयरन मास्टर फील वेन ही लर्न दैट दी पेडलर बॉज अ थीफ अब जो आयरन मास्टर था जब उसे ये पता चला कि भाई पेडलर तो एक थीफ है मतलब वो डैक्ट्रेप सेलर तो एक चोर है तो उसने क्या सोचा था क्या महसूस किया था दैट ही शुड इन्फॉर्म दी पुलिस दैट ही शुड बीट दी मैन दैट ही शुड शूट दी मैन या दैट ही माइट स्टील हिज सिल्वर स्पून्स की वो उनके चांदी के चम्मच चुराकर ले गया होगा तो सही आंसर ये है कि उसने यही सोचा था कि शायद वो उनके सिल्वर स्पून्स स्टील करकर कर ले गया है नेक्स्ट व्ट हैड दी रैट ट्रैप सेलर लेफ्ट फॉर एडला एज अ क्रिसमस गिफ्ट अब रैट ट्रैप सेलर ने एडला के लिए क्या रखा था एज अ क्रिसमस गिफ्ट उसने रखा था एक रिंग रैट ट्रैप, अ ब्यूटीफुल ड्रेस या एक टॉय उसने रखा था एक रैट ट्रैप अब देखो यहां पर मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहूंगी कि ये तो आपको बताया कि रैट ट्रैप सेलर ने क्या गिफ्ट दिया था एडला या उसके फादर ने भी तो उन्हें एक उसे एक गिफ्ट दिया था ना तो वो गिफ्ट क्या था वो था एक सुंदर सा सूट वो रैट ट्रैप सेलर को एज अ क्रिसमस गिफ्ट एडला और उसके फादर की तरफ से गिफ्ट किया गया था किसे? रैट ट्रैप सेलर को नेक्स्ट एक और क्लेरिफिकेशन यहां पर देना चाहूंगी कि वो जो रैट ट्रैप था उसके अंदर क्या था उसके अंदर वही थर्टी क्रोनोर्स थे जो उस, उस ओल्ड क्रॉफ्टर के थे उसके अंदर एक लेटर भी थी जिसमें ये लिखा गया था कि काइंडली ये थर्टी क्रोनोर्स जो हैं वो उस ओल्ड क्रॉफ्टर तक पहुंचा दिए जाएं। नेक्स्ट वट मेड दी पेडलर फाइनली चेंज इज हार्ट तो किस तरीके से किस वजह से उसमें बदलाव आया था एडला के शब्दों की वजह से एडला के पिताजी की वजह से एडला की अपियरेंस लुक की वजह से या एडला की अच्छाई और केयर की वजह से तो सही आंसर है एडलाज गुडनेस एंड केयर नाउ लास्ट क्वेश्चन इज वट इज दी मैसेज ऑफ दी स्टोरी ये जो कहानी है वो हमें क्या मैसेज दे रही है लव एंड काइंडनेस आर पावरफुल रिफॉर्मर्स की बदलाव बड़े बड़े बदलाव आ सकते हैं प्यार की वजह से और अगर हम काइंडनेस दिखाते हैं किसी को दयालुपन दिखाते हैं दयालुता दिखाते हैं तो उस केस में बदलाव आ सकता है या काइंडनेस पावरलेस होती है काइंडनेस जो है वो चोरी करने के लिए बढ़ावा देती है प्रोत्साहन देती है या जो थीव है उन्हें रेप्रीमेंड करने की जरूरत है मतलब एक तरीके से उनके साथ सख्त बर्ताव करने की जरूरत है एक्चुअली ये स्टोरी हमें मैसेज देती है ऑप्शन नंबर ए वाला यानी कि लव एंड काइंडनेस आर पावरफुल रिफॉर्मर्स तो आई होप कि आपको आज के सेशन के इस पर्टिकुलर चैप चैप्टर के ये जितने भी एमसीक्यूज़ हमने डिस्कस किए हैं ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर रहे चलिए फिर से मैं कहूंगी कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए एंड यस, वीडियोस को शेयर करना लाइक करना और अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड अ नाइस डे